हेलो दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां पे बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन है इनका अध्ययन करने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में 61 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 61 नंबर हमारा है, लवक की सर्वप्रथम खोज सन 1865 में हेकेले ने की थी। तो ये ध्यान रखना है कि हेकेले के द्वारा 1865 में लवक की खोज की गई थी, जबकि लवक शब्द का प्रयोग है वो किया गया था AFWS सिंपर के द्वारा। तो ये भी ध्यान करना है कि लवक शब्द का प्रयोग है वो किया गया था AFWS सिंपर ने, जबकि खोज है वो 1865 में हेकले ने की थी। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल है वो क्वांटासोम में क्लोरोफिल पर पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्लोरोफिल है वो कहाँ पर पाया जाता है? क्वांटासोम में। ठीक है, क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में बात करें क्लोरोफिल के हेड की, तो उसके अंदर मैग्नीशियम है वो महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है उसमें होता है Fe यानी आयरन है, उसमें महत्वपूर्ण हेड होता है। तो ध्यान रखना है, क्लोरोफिल में कौन होगा? मैग्नीशियम में। हीमोग्लोबिन में कौन होगा? आयरन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये कैप्सिथिनियम नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। प्रकाश ऊर्जा विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ पे होता है? तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के जो क्लोरोफिल है उसके अंदर प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा है उसका परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। दोस्तों, आगे का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार के वीडियो डेली देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन है वो भी आप दबा सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं वो करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मोस्टली नाम आ रहा है तो इसका आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल है वहाँ पे प्रकाश की जो ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, उसका परिवर्तन है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसके अलावा देखिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और अम्ल के संश्लेषण का कार्य भी क्लोरोप्लास्ट है वो करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक है और जो अप्रकाशिक है वो क्रमशः बता रहा हूँ, यानी जो प्रकाशिक की अभिक्रिया है वो तो होती है आपकी ग्रेना के अंदर और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो होती है स्ट्रोमा में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी दृष्टि से, इस प्रकार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो वो होती है ग्रेना में और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है स्ट्रोमा में। वैसे कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, पर क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा में क्रमशः। ठीक है, ध्यान रखना आपको। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट है उसकी खोज है वो सिंफर के द्वारा की गई थी। बैंगनी रंग के किस पिगमेंट के कारण होता है? तो देखिए, बैंगनी रंग है वो एंथेसाइनिन है, इसके कारण होता है। ये वेक्यूलर शेप में घुले रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रख लीजिएगा, जो पिगमेंट है उसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता, कौन सा पिगमेंट है वो क्लोरोफिल में नहीं पाया जाएगा, वो एंथेसाइनिन है, वो नहीं पाया जाएगा। यानी आपको पता होगा कि देखिए, बैंगनी कलर है वो नहीं होता है, तो बैंगनी कलर नीला कलर है वो आपको पता है पत्तियों का नहीं होता है, और वो कारण इसका यही है कि देखिए एंथोसाइनिन है वो होता है, और पत्तियों में आपको पता है हरा रंग होता है मोस्टली, और हरे रंग में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन सी थी? दोस्तों, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज की बात करूँ, प्रथम मतलब पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज। शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है वो होती है फ्रक्टोज, जो आपके फलों के अंदर पाई जाती है। स्टार्च आयोडीन के साथ किस प्रकार का रंग देता है? दोस्तों, ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा भी जाता है कि स्टार्च के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, और स्टार्च आयोडीन के साथ है वो क्या करता है? बैंगनी नीला रंग प्रदान करता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देखिए, मान लीजिए किसी दूध में या किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं, उसके लिए उसमें आयोडीन डाला गया तो वो किस प्रकार का रंग देगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या ये है कि किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन डालने पर वो बैंगनी या नीला रंग प्रदान करता है, तो उसमें क्या पदार्थ उपस्थित होगा? तो दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा? स्टार्च उपस्थित होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एक ध्यान रखना है, खाद्य पदार्थ में अगर आयोडीन डालते हैं और वो बैंगनी और नीला रंग देता है, तो उसमें क्या उपस्थित होगा? स्टार्च होगा। और स्टार्च के अंदर हम आयोडीन डालते हैं तो वो बैंगनी और नीला रंग देगा। तो ये तो आपको एक टेस्ट है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा
कपास और कागज़ होते हैं। तो देखिए कपास और कागज़ है वो सेलुलोज के बने होते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन को प्रभावित करने वाले साइटोक्रोम किसके बने होते हैं? तो देखिए श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन को प्रभावित करने वाले जो साइटोक्रोम है वो लौह तत्व और प्रोटीन के मिश्रण के बने होते हैं। हरे रंग का क्लोरोफिल पदार्थ किसका बना होता है? तो दोस्तों हरे रंग का जो क्लोरोफिल पदार्थ है उसमें आपको पता है क्लोरोफिल का हेड है वो मैग्नीशियम का होता है और प्रोटीन के मिश्रण का बना होता है। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, देखिए पौधों में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। नारंगी रंग है वो कैरोटीनॉइड कैरोटीन के कारण होता है। पीला जेंट्रोफिल्स पिगमेंट के कारण होता है। वहीं नीला बैंगनी और गुलाबी है वो एंथेसाइनिन के कारण होता है। तो दोस्तों ये पिगमेंट है इनको याद कर लीजिएगा कि हरा क्लोरोफिल, नारंगी कैरोटीन, पीला जेंट्रोफिल और नीला बैंगनी और गुलाबी रंग है ये एंथेसाइनिन के कारण होता है। वसा, चर्बी और अन्य तेलीय पदार्थ किस में विलेय होते हैं? तो दोस्तों वसा, चर्बी, अन्य तेलीय पदार्थ है वो क्लोरोफिल और तथा एसोटीन जैसे कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो दोस्तों कार्बन माफ कीजिएगा प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो प्रोटीन में देखिए नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग है वो होते हैं 16 और 4%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन तो 16 और सल्फर है वो 4% होंगे। पेक्टिन है तो दोस्तों पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों आगे क्वेश्चन है हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पे 81 क्वेश्चन से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने दूसरे दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा सकते हैं और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और हाँ, इसकी PDF फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके इसकी PDF फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको एकदम फ्री में उपलब्ध होगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बस वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करने का है, वहाँ पे लिखा होगा मेरा, जब आप खोलोगे तो PDF फाइल डाउनलोड क्लिक किया तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले लो, जय हिंद जय भारत।